दिल्ली में शादी कितने लोगों ने अटेंड कर रखी है? सबने अटेंड कर रखी है दिल्ली की शादी? क्योंकि अगर तुमने दिल्ली की शादी नहीं अटेंड कर रखी ना, तो तुमने जिंदगी में शादी अटेंड की नहीं है। अपने बकेट लिस्ट में लिख लो दिल्ली की शादी। भाई बाहर से फिरंग लोग आते हैं दिल्ली की शादी अटेंड करने के लिए। फिरंग जब इंडिया आते हैं ना, तो उनका पता क्या सीन होता है कि जैसे इंडिया में आएंगे, पहले जाएंगे ताजमहल फोटो खिंचाएंगे, उसके बाद हरिद्वार जाके निर्वाणा पाएंगे, और फिर दिल्ली की शादी अटेंड करेंगे। दिल्ली की हर शादी में देखना फिरंग नाच रहे होते हैं, जिन गानों से उनको देख के पूरे बराती लंदन ठुमकदा। और भाई साहब दिल्ली की शादियों में जो दोस्त होते हैं उनका बहुत क्लियर होता है, उन्हें नहीं फर्क पड़ता किसकी शादी किससे हो रही है कहाँ हो रही है, उनका बहुत ही क्लियर होता है। तो शुरू के तो 10-15 मिनट ना उनको बारात में देखोगे ना, तो एकदम ऐसे क्लासिक ऐसे उनका गाना भी होता है, होता है I'm in love with the shape of you, push and pull like a magnet, ऐसे फूल ये चल रहा होता है, और जैसे 5 ड्रिंक अंदर होते फिर वो बन जाते हैं इच्छाधारी नाम, और उनकी घिनौनी हरकत में पूरा पूरा साथ दे रहा है डीजे, क्योंकि अब शेप ऑफ नहीं चल रहा, अब चल रहा है मैं दुश्मन तेरी तू दुश्मन मेरा, मैं नागिन तू सपेरा। और ये कन्विंस्ड है कि ये सांप है, क्योंकि ये लोगों को डस रहे हैं, इसको बताना पड़ा कि साले मत कर तेरे नाखून चुभ रहे हैं। फिर शादी में गाते हैं 70-80-90 साल के बूढ़े सीनियर सिटीजन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने, घर पे एक ग्लास पानी का उठा के नहीं पीते, पर सारे ना अपनी अपनी व्हील चेयर पर बैठ के फर्स्ट एंड फॉर इयर्स। फिर ये लोग ऐसे लाइन से अपनी व्हील चेयर लगा लेते शादी में और खेलते इंडियाज गॉट टैलेंट, क्योंकि ये कर रहे हैं आपको जज कि कौन तो पैर छुके गया और कौन हरामखोर दूर से ऐसे हाथ जोड़ गया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं जैसे देखा ना सब लाइन से एक साथ हो गए हैं, तो मैं शुरू के तो 2-3 के तो पैर छूता हूँ, चौथे आखिर वाले के तो मैं ही हाथ सर पे ऐसे रखने और सबकी फैमिली में ना एक वो एक परिवार होता है सबसे अमीर होता है, सबसे ज्यादा पैसे, तो वो शादियों का वेट करते क्योंकि उन्हें दिखाना है कि हमारे पास कितना पैसा है। तो आंटी ने बोले 2000 किलो ज्वेलरी निकलवा ली लॉकर से शादी में पहनने के लिए, पहन भी ली पर शरीर तो इतना ही है, ज्वेलरी तो अभी भी बच गई, अब इसका क्या करें। हाँ बेटा बंटी इधर एक कील ठोके इधर। और भाभियों का क्या फेमिनिज्म आता भाई शादी में, क्या फेमिनिज्म, मैं देखा दिल्ली शादी में भाभी क्या नाची मुन्नी बदनाम पे, ओहो ऐसे जबरदस्त की साथ में भैया खड़े, भैया पूछे बंदी कौन है। मैं बीवी आपकी। और फूफा जी शादी में, हाँ फूफा जी ने ऐसे लेंस लेके नहीं होता, लेंस ऐसे लेंस लेके घूम रहे ऐसे, बोले फूफा जी क्या ढूंढ रहे हो, बोले नाराज होने का बहाना। और तो पता है कि ये पता है दिल्ली की शादी में गोलियां चलती है, ये पता था मेरे को नहीं पता था पहले, मैं अचानक से ऐसे नाच रहा हूँ सामने वाले ने अचानक से बंदूक निकाली टिस के ऊपर, अरे साले पागल है क्या। अब मेरी इतनी फटती है कि शादी के मौसम में मैं फ्लाइट नहीं लेता, सर तुम ऐसे मस्त फ्लाइट में बैठ के आ रहे हो, एयर होस्टेस सर वुड यू लाइक टू हैव वेज और नॉन वेज, और नीचे से गोलियां के अरे मैं तो दूर की बात है कबूतर भी बाईपास से जाते हैं, कबूतर उड़ते उड़ते ऐसे ऐसे ताऊ जी कहाँ गए। पर जो सबसे बेस्ट चीज शादी की मैं देखा कि दूल्हे की सालियां ना ऐसे ग्रैंड मास्टर गोगो बन के घूम रही होती है, आई हूं तो कुछ ना कुछ लेके जाऊंगी, ये जूते चोरी करने का क्या किंग के वे, मुझे समझ में नहीं आया जूते चोरी जूते। मैं एक बुआ जी के पास गया, मैं बुआ जी जूते चोरी हो गए, तो बुआ जी मेरे से गाल खींच के बोलती हाँ बेटा ये तो शगुन होता है, मैं दूल्हे के नहीं बरातियों के, बरात में चोर घुसा है
और जूते चोरी करने से क्या होता है? अगर मेरे फॉर एग्जांपल जूते चोरी हो गए, मैं नंगे पर फेरे ले लूंगा। तुम्हें अगर सच में पैसे चाहिए उसके लिए कुछ कर, तो दूल्हे के कपड़े चुराओ, क्योंकि फिर ऑकवर्ड होगा। सर ऐसे कि मंत्र वंत्र पढ़ दे जी कि चलो खड़े हो जाओ फेरे लेने, बट कपड़े तो चोरी हो गए। पंडित जी सोच रहे कि यार ये दुल्हन का पल्लू कैसे कहाँ बांधूं। तो बच्चे तो नादान होते हैं, तो बच्चे कहे जिया जी की सूंड से बांध दो। ये दिख रहा पीछे, लाइक सब्सक्राइब शेयर, तब तक मैं जाता हूँ।